जी, अभी मैं जो बात कर रहा वा करने वाला हूँ वो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के हवाले से बात करने वाला हूँ कि इस कंपनी का स्टॉक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और इसमें जो हमारी जो पहली बात होगी वो ये होगी कंपनी का क्या फाइनेंशियल टेक्निकल तमाम चीज़ों से हम इसको देखा जाएगा, और इसको शॉर्ट टर्म में हमें बाई करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में करना चाहिए, इसको ट्रेडिंग के हवाले से देखना चाहिए, इसकी तमाम चीज़ें इस वीडियो में कवर करना चाहूँगा और इंशाल्लाह वर्ड कवर भी करूँगा। तो हम इसकी रिलायंस की तब हम इसको हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको पूरी मंथली भी देख लेते हैं कि मंथली में क्या आ रहा है। तो मंथली देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने यहाँ आना है और यहाँ मन में क्लिक कर लेना है। तो अब इसको थोड़ा कम करता हूँ मैं, और जब कम मैंने किया और करने के बाद जब हमने इसकी जो देखी 2195 से, सो अभी जो इसकी हमने देखा कि 1995 में ये इसकी कीमत एक जैसी ही थी, ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ उसके बाद इसने 2000 देखा जाए तो 2004 से इसने मतलब ग्रोथ पकड़ा, और 2004 के बाद हम देख सकते हैं कि 2018 तक इसने अच्छी खासी आज तक इसने अच्छी खासी ग्रोथ पकड़ लिया था। और आज में हम ये देखते हैं कि अगर आज में पैंडेमिक इशूस आए जिसमें पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन हुई थी, तो ये भी डाउन हुई, बिल्कुल हुई। 9 के बाद इसने जब हमने इसको देख रहे हैं तो ये बिल्कुल माइनस पर चल रही है, और चलते 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 फिर इसका जो कहानी है वो ये अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, तो मतलब ये मकसूद ये जगह में नहीं है, मतलब बिल्कुल ये सीधा सीधा चल रही है। और फिर उसके बाद हम 2017 देखते हैं, तो 2017 के बाद इसने ग्रोथ पकड़ा, मतलब इसने आगे हुई आराम आराम से ये बढ़ रही है आगे आगे, और ये आराम आराम से बढ़ते 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 इसने 2020 में जब कोरोना आया तो ये रुक गई और ये माइनस में चले गई, और 2020 के बाद ये दोबारा उसने पीक पकड़ा और ये हमेशा से वापसी में प्लस में चली गई। अच्छा ठीक है, और अभी ये प्लस में चल रही है। अब हम इससे हम पूरी चार्ट को हमने जब एनालाइज़ किया तो उससे हमें ये समझ आता है कि इसने 2007 के बाद इसने ग्रोथ पकड़ा और इसने आराम आराम से आया, और 2019 के बाद इसने सबसे ज़्यादा ग्रोथ पकड़ा और ये हाईएस्ट चली गई, वरना 2020 से पहले 2019 और 20 से पहले ये कंपनी बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रही थी, ना कि ज़्यादा ऊपर थी ना नॉर्मल थी, एक नॉर्मल चल रही थी, लेकिन अचानक से 2017-18 में इसने कंपनी ने ग्रोथ पकड़ा और एक हाईएस्ट रिटर्न देखने को मिला है कि जिसने मतलब 600-700 रुपये में एक जो कंपनी चल रही थी, यहाँ हम देखते हैं 500 के करीब इसकी जो प्राइस चल रही थी वो अचानक से 2400-500 तक के करीब चली गई। तो ऐसा इसलिए हुआ कि हम इसके अब टेक्निकल हमने देख लिया है कि टेक्निकल पर में ये चीज़ पॉजिटिव आ रही है कि इसमें कंपनी ने अचानक से ग्रोथ पकड़ा है, लेकिन हाँ तो अभी जो टेक्निकल हमें दिखा रहा है वो 5 सालों में हम जो दिखा रहे हैं, 5 साल हम देखते हैं तो 5 साल 2023 से 2018 से देखते हैं तो ये पॉजिटिव दिखा रहा है, तो हाँ ये 5 साल पॉजिटिव है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम इसको जब ऐसा हम ऊपर की तरफ जा रहा है कंपनी तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिव ये आ रहा है। तो अब हमें क्या देखना है, हम अभी इसका मार्केट कैप वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो हमने इसको काटा चार्ट को, और मार्केट कैप देखा हमने, तो सबसे पहले हम इसकी अबव यूज करते हैं, अच्छा इसकी जो मार्केट कैप है वो 15,680 बिलियन रुपीज़ है, जो कि ट्रिलियंस में जाती है बात उसको लिया जाए तो। अच्छा बात सुनो, एक और चीज़ मैं जो देख रहा हूँ वो इसमें वॉल्यूम अच्छा खासा बता रहा है, और दूसरा एक और चीज़ हम देखते हैं इसमें जो हमें रिकमेंड कर रही है कि कम्युनिटी प्लस में जा रही है भूम होने वाली कंपनी, और इसके अलावा अच्छा ये चीज़ हमने देखी। अब इसके थोड़ा फाइनेंशियल हमने टेक्निकल थोड़ा बहुत एनालाइज किया, हम इसकी फाइनेंशियल देखते हैं
कि फाइनेंशियल हेल्थ इसकी क्या है और ये कंपनी क्या है, कैसे परफॉर्म करने वाली। तो फाइनेंशियल हमें देखने के लिए इसकी फाइनेंशियल में हमने आ जाना है और हमने इसकी फाइनेंशियल देखनी है, बैलेंस शीट वगैरह। तो फाइनेंशियल में हम क्वार्टर में देखें तो टोटल इसकी रिन्यू कब ज़्यादा हुआ है और इसका जो नेट इनकम है वो कम हुआ है। तो इसका ये छोड़ जो ये हम जब देखें तो इसकी रिन्यू अच्छा हुआ है, नेट इनकम कम हुआ है। तो ये चीज़ थोड़ा हम इसको हम एनुअली देखते हैं कि मतलब ये थोड़ा माइनस माने वाली चीज़ है जो कि हम माइनस में ले गए कि इसका नेट इनकम भी उतना ही होनी चाहिए जितना इसका रिन्यू हुआ है। मतलब कि इसमें बैलेंस इस कंपनी ने बरकरार नहीं रखा हुआ है और ये माइनस में चल रही है। ठीक है, अच्छा जी, ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेशन इनकम इनकम यानी किसी अच्छा बैलेंस शीट। तो ये चीज़ बैलेंस शीट में हम देखते हैं तो इसमें भी हमने इसकी लाइबिलिटी माइनस में और टोटल एसेट ज़्यादा है। तो ये चीज़ इस कंपनी की पॉजिटिव में आ रही है कि हाँ इस कंपनी में एसेट ज़्यादा है और लाइबिलिटी कम है। ठीक है, अच्छा जी, क्विक रेशो इसका ये है 40%। अच्छा, कैश एंड नेट चेंज इन कैश, कैश इसके बाद अच्छा खासा पड़ा हुआ है और ये बरकरार, इसने 2019 में इसे माइनस में गया, इसको हम एनुअली देखते हैं। तो 2020 से देखा जाए तो इसने कैश माइनस में, उसके बाद इसने हमने आप कंपनी ने कैश ज़्यादा लाया और कैश हमने पास ज़्यादा रखा हुआ है, मतलब ये पॉजिटिव है और इन कैश नहीं रखा हुआ। ठीक है, इसकी थोड़ी अनिल हम देख लेते हैं। अब इससे हम एनालाइज करेंगे इसकी जो रिन्यू है माइनस में चल रही है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। और अनिल पास यह भी माइनस में चल रहा है। ठीक है, डिविडेंड ही कंपनी देती है 0.35 ईयरली एनालाइज 44.5। इसकी कमीन जब देखते हैं किसी भी कंपनी की ग्रोथ देखने के लिए उसकी कमीन से आपको लाजमी पता करो कि उसके हवाले से क्या चीज़ है, लोगों ने कहा उससे क्या होता है, आपको क्या आइडिया हो जाता है कि वो कंपनी कैसी चल रही है। तो जब कंपनी में जब लोगों के नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आए तो आप समझ लो कि वो पॉजिटिव जा रही है, और जब लोग पॉजिटिव होने लग जाए कि ये कंपनी अब ऊपर जाएगी समझ लो वो चीज़ नेगेटिव या होने वाला है, कुछ नेगेटिव होने वाला है। जब भी हर कोई बंदा पॉजिटिव इस कंपनी के हवाले से बोल रहा है तो एक ये कि ट्रिक या टिप समझ लो ये कंपनी के हवाले से है। अच्छा, ठीक है, एक और चीज़ हम जो देखेंगे ये देखते हैं कि इसकी मार्केट के वगैरह हम देखते हुए हमें इस कंपनी को में पैसा डालना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो देती है 15,000 से ऊपर किसी ने मार्केट कैप किया हुआ है और एक हाई रिस्की कंपनी चल रही है। बिकॉज जब हम ये देखें कि 1997 से लेकर 2016 से 17 तक इसने मतलब जिसमें हमारी एक साल दो साल तीन साल पाँच बार तो एक कंपनी ने मतलब ग्रो नहीं किया, अचानक से 5 से 6 साल 7-8 सालों से इसने अच्छी परफॉर्मिंग देने लग गई। इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल ये हाईएस्ट चली जाएगी। और आप बोल लो या सुफियान भाई आप तो ऐसी बात बोलो कि इतनी बड़ी कंपनी ये मैंने चली जाएगी, इसमें मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता आपको। इसमें आप 20-30 साल के लिए पैसा डाल के छोड़ो, इसको लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को रिकमेंड नहीं किया जाएगा। हाँ, इस कंपनी को आप ऐसा शॉर्ट टर्म आप इंटर ट्रेडर हो तो ये कंपनी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, या आप शॉर्ट टर्म आप 1 साल 6 महीना 3 महीने के लिए आप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अभी तो फिलहाल हम नहीं करो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। टू क्योंकि आप इस साल हम देखते हैं तो इस साल में हम जब देखते हैं तो ये कंपनी अभी माइनस में तो चल रही है, लेकिन फिर भी हमें अभी जो देखने में मिल रहा है कि इसका जो माइनस गया है वो 200 गया है
तो अभी इसको कब तकरीबन इससे या नीचे आ जाए तो समझ लो कि एक और कंपनी गिरेगी। लेकिन अब जहाँ के 2468 है ना, तो आपने क्या करना है, मतलब 2200 से ऊपर ही रही कंपनी और इसने दोबारा इसने ऊपर की तरफ ग्रो होने लग गई, तो समझ लेना कि कंपनी अब आगे जाने वाले वक्तों में 2700 को भी क्रॉस कर देगी और इससे भी ऊपर चली जाएगी, वरना ये माइनस में गिरने वाली कंपनी है और ये गिर जाएगी, तो उससे हमें यह अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते इस कंपनी में आप हाथ कर डालो इसमें। आपको आपने इसमें 1 रुपये आपने डाल देते हो ना, तो आपको 1 रुपये को 2 रुपये बनाने के लिए आपको तकरीबन 3 × 4 = 8 16 साल आपको इंतज़ार करना होगा, फिर जाकर आपका 1 रुपये का 2 रुपये बनेगा। तो इसको शॉर्ट टर्म में आप ले सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल नहीं सोचना, गलती से भी इसमें नहीं आना। शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी है, 2 महीने 3 महीने 1 महीने के लिए आप ले लो और उसको सेल कर दो। अच्छा, इंटरेस्ट ट्रेडिंग ग्रो करते हैं उसके लिए भी काफ़ी अच्छी कंपनी, क्योंकि इसमें जो वॉल्यूम है वो हाईएस्ट वॉल्यूम कंपनी आ रही है और जिस वजह से ये इंटरेस्ट ट्रेडर के लिए एक बेस्ट कंपनी चॉइस है कि आप इंटरेस्ट ट्रेड करते हो तो इसमें आप इस कंपनी में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन अभी जो मैंने देखी उससे हमें ये आइडिया हुआ कि कंपनी तो अच्छी जा रही है, लेकिन कुछ चीज़ें जो ये मेंटेन नहीं कर पा रही, जो हमें इसकी बैलेंस शीट वगैरह से हमने समझ आया वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, एक तो इसने कंपनी ने जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसकी लाइबिलिटी हमने 2020 में इसने देखा तो हमने ज़्यादा दी, फिर 2021 में इसने तीसरे महीने में इसकी माइनस चली गई और फिर 2022 में इसने बरकरार रही, उससे थोड़ा काम किया, लेकिन 2023 में इसने दोबारा लाइबिलिटी 2020 से भी बढ़ा दी। मतलब कि अपनी लाइबिलिटी में इसके पास कंट्रोल नहीं है, लेकिन हाँ इसकी जो एसेट है वो भी मुसलसल बढ़ते जा रहे, तो एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट के बढ़ने का मकसद ये है कि इसकी लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, मतलब कि इसके खर्चे भी बढ़ रहा है। तो ये चीज़ ने थोड़ा सा ये ऐसे एसेट खरीद रही है जो कि मतलब इसमें मेंटेनेंस ज़्यादा हो, जैसे ये हमने सिर्फ कार्स खरीदी होगी या कोई ऐसी चीज़ ये खरीदी रही है जिसमें मेंटेनेंस ज़्यादा हो, और जिस कंपनी में मेंटेनेंस मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो कंपनी में लॉन्ग टर्म में आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं और हो सकता है ये नेगेटिव परफॉर्म करने लग जाए। अच्छा ठीक है, और इसके अलावा हमने एक और चीज़ हमने जो इसमें देखा वो ये देखा कि इससे जो डिविड लिया हुआ है वो इक्विटी वो 22.31% है, मतलब पूरी कंपनी का टोटल हम डिविड लिया जाए तो ये इक्विटी में 40% है, तो ये हाईएस्ट डिविडी है, तो डिविड लिया हुआ मतलब इसने उधार काफ़ी ज़्यादा लिया हुआ है इस कंपनी ने। अच्छा ठीक है, तो ये चीज़ माइनस में जा रही है, तो ये कुछ चीज़ें जिस वजह से ये कंपनी को हम लॉन्ग टर्म के लिए एनालाइज नहीं देखते, लेकिन हाँ जब हम टेक्निकल में हम शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं तो बिल्कुल ये कंपनी आप बाय करो। लेकिन अभी रिसेंटली जो इसमें हमें बता रहा है कि इसमें आपने बाय नहीं करना, वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि कंपनी किसी वक्त भी डूब सकती है, क्योंकि अभी हमें भी अभी मैं आपको ये क्या बोला कि ये कंपनी अब फिलहाल आप इसको ना ही बाय करो, फिलहाल आपने कैसे अभी मैंने बोल दिया तो अभी बाय नहीं करो, थोड़ा सबर करो, क्योंकि देखने को हमें ये मिल रहा है कि 1 साल में कि ये हो सकता है कंपनी अभी नेगेटिव परफॉर्म करे, 3-4 महीने के बाद जब आपने देखना है कि इसमें हल्की सी ग्रोथ आई है और 2700 को क्रॉस कर देते हैं, मतलब इसकी अभी रिसेंट इसकी जो ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ 2700 से ये ऊपर चली जाती कंपनी तो ये समझो ये पॉजिटिव जाने वाली है, तो आपने इसको खरीद लो वरना नहीं खरीदो। ठीक है, और आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो इसको अभी फिलहाल भूल ही जाओ, 5 सालों को आप देख के बोल लोगे हाँ भाई ये सही है, लेकिन हम इसको हम जब एनालाइज करते 10 से 20 साल के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 5 साल तो एक एवरेज होती है, लेकिन अब लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम के लिए होती है, जो आप एक कारोबार को देख रहे हो तो उसमें हम यही देखा जाए तो इसको नेगेटिव में जा रहा है इसका फंडामेंटल वगैरह भी। और दूसरा हम इसकी जब मुकेश अंबानी वाली लोगों की बात करते हैं तो अभी सैनली मुकेश अंबानी भी बहुत सारे इशूज़ में फंसे हुए हैं जो कि आपको न्यूज़ वगैरह में चल रहा होगा, तो इससे हमें ये समझ आता है कि नेगेटिव ये बहुत ज़्यादा है और फ्यूचर में हो सकती है कंपनी नेगेटिव परफॉर्म करे, तो हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए हम बाय इस कंपनी को बिल्कुल नहीं कर सकते, और लॉन्ग टर्म में हम बाय कर भी लेके इससे तो बहुत छोटी छोटी कंपनीज भी बहुत सारी है जिसमें आप जाओ जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ आप उस कंपनीज में बाय मतलब सीएस बाय करो और उसमें पैसा डालो, जिसमें आप एक ऐसे मसाले वो छोटी है ना तो उसकी जो आपके पैसे वो ज़्यादा जल्दी
बाय भी हो जाएंगे, ज़्यादा बाय भी जाएगा। लेकिन ये जो बाई कंपनीज है इसमें आपके एक रुपये आपको 2 रुपये करने में आपको आपकी आधी ज़िंदगी निकल जाएगी आपका, तो उसमें भी वादा नहीं है। तो छोटी कंपनी में खरीदो। हाँ, ये कंपनी आप जब आप 2003 में खरीद लेते, 2000 यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ आपको 15 में भी आप जब ये इस कंपनी को खरीद लेते हैं तो बिल्कुल आप खरीद लेते हैं। लेकिन अभी जब खरीदोगे तो अभी नुकसान में जाओगे आप। तो इस कंपनी को अभी आप ना खरीदो, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं है कंपनी, शॉर्ट टर्म के लिए आप खरीद सकते हो। इसके साथ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी डिफरेंस क्या है क्या नहीं। इसके अलावा ऐसी मैं कुछ एनालिसिस वगैरह की वीडियोस में बनाते रहता हूँ, जिसमें मैंने कोई इसमें कोई हमने हवा में कोई बात नहीं बोली है। मैंने इसके फाइनेंशियल और इसके चार्ट वगैरह जो हमने देखे उससे हमने इसके आइडिया लगाया कि कंपनी कैसे परफॉर्म करने वाली है और आगे कैसे इसके परफॉर्मेंस होने वाली है। तो तमाम चीज़ अभी माइनस में चल रही है, इसकी जो रेवेन्यू है ये भी अभी माइनस में चल रहा है। तो ये कंपनी फ़िलहाल ये नेगेटिव परफॉर्म नहीं करेगी। इसका ये मतलब नहीं कि कंपनी नेगेटिव परफॉर्म करेगी, नहीं कर भी सकती। वजह ये है कि अभी 2 से 3 महीने तो इस कंपनी को आप भूल जाओ। तो 2-3 महीने बाद इसमें जब ये कंपनी, मैंने जैसे कि बताया 2 से 7 को काउंट मतलब कहाँ गई यही खुल जा बाबा। बेला समझ गए होगा, 2700 को ये क्रॉस कर जाती है मतलब, तो फिर आप कंपनी में इसमें आप इन्वेस्ट कर लो 3-4 महीने के लिए, वरना अभी फ़िलहाल इसको आपने इसको रोक ही जाओ। ठीक है, तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना। और बस टाटा बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में।